हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम अपने जैसा कि रूटीन वाइज हम टेक्सटाइल मशीनरी के मतलब आपको और इसके प्रोसीजर के मतलब वीडियोस बनाकर आपको इसके मतलब आगाही देते रहते हैं। टेक्सटाइल मशीन के मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल होती है, प्रिंटिंग यूनिट में, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसका नाम है स्टेंटर मशीन। ब्रुकनर स्टेंटर इसको बोला जाता है। ये इटालियन है और काफ़ी कॉस्टली मशीन है और इसका प्रोसीजर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वर्किंग प्रोसीजर। तो ये हमारी एंट्री साइड है, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी एंट्री साइड है। यहाँ से ये कपड़ा इन होता है और ये कुछ रोल लगे हुए हैं, करती है कपड़े की और आगे रोटेट करवाती है। अच्छा, तो ये नेक्स्ट हम इसके, ये कुछ केमिकल लगता है कपड़े को, ये उसकी टैंकी है, इसके अंदर कपड़ा जो है डिप हो गए तो आगे ये पैडिंग रोल जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर दाखिल होता है। ये स्क्वीजिंग के लिए, निचोड़ने के लिए जो कपड़े के साथ ये केमिकल लगता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसको उसकी स्क्यूजिंग के लिए ये रोल जो है इस्तेमाल होते हैं और ये काफ़ी हैवी रोल होते हैं। 1.5 टन इसका वज़न होता है तकरीबन, और ये दो रोल होते हैं, एक ड्राइव रोल होता है, एक ड्रिवन होता है। ये ड्राइव गियर बॉक्स साइड पे लगा हुआ है और ये एक रोल को रोटेट करवाता है और दूसरे की सरफेसिस के साथ मिली होती है। ये रोल है, ये ड्राइव है आपके पास गियर बॉक्स, और ये रोल है, ये रोल लगे हुए हैं। तो ये इसका पैनल है, ये आप पैनल देख रहे हैं। तो ये रोल लगे हुए हैं स्क्वीजिंग के लिए, स्क्वीजिंग ऑपरेशन के लिए। इनमें कपड़ा जो है केमिकल डिप शुदा कपड़ा जो होता है वो गीला कपड़ा इसमें इन होता है और यहाँ 1.5-2 बार प्रेशर लगा होता है रोल के अंदर। रोल इसको इनकी सरफेस आपस में प्रेशराइज होकर ये कपड़ा इनमें से के अंदर से गुजरता है और ये पानी को निचोड़ते हैं। अच्छा, ये इसकी ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बयान को, इसको वेब स्ट्रेंथर के नाम से बोला जाता है। वेब स्ट्रेंथर ये पार्ट जो है, ये पैडिंग रोल के आगे है बिल्कुल सेम। ये पैडिंग रोल के ऊपर डांसर रोल आपको नज़र आ रहा है, ये डांसर रोल लगा हुआ है। ये डांसर रोल का काम होता है कि पैडिंग से निकले वाला कपड़ा जो है उसकी स्पीड को आगे बरकरार करना। ये आगे चैन आ रही है उसके मुताबिक ना एक तरतीब से उसकी स्पीड को बरकरार रखना होता है, डांसर रोल का काम ये है। ये हमारे पास वेब स्ट्रेंथर है, वेब स्ट्रेटर सॉरी वेब स्ट्रेंथर कह दिए। इनके अंदर तीन पिछली साइड पे बोइंग रूल नज़र आ रहे हैं, ये बोइंग रूल है। ये कपड़े के जो जिसको हम कहते हैं ना बल पड़ जाते हैं, कपड़ा इकट्ठा होता है, कपड़े का ताना बाना जो है वो आगे पीछे होता है, वो ताना बाना उसकी एडजस्टमेंट जो है उसको बरकरार करता है। ये इसके बल निकालता है, कपड़े की बोइंग जो है उसको निकालते हैं ये बोइंग रूल, और कपड़े का जो ताना बाना होता है ना उसको सीधा करता है। वेब स्ट्रेटर का काम जैसा कि नाम से ही जा रहा है कि ये स्ट्रेट करता है, सीधा करता है। और ये आगे तीन रोल हैं, ये बोइंग रोल से निकलने वाला कपड़ा जो है उसको सेंटर में रखने के लिए, ये सेंटरिंग रोल इसको बोलते हैं, ये सेंटर करते हैं। और इनके मैकेनिकल मैकेनिज्म लगा हुआ है और कुछ कैमरे लगे हुए हैं इसके अंदर, ये कुछ कैमरे हैं। ये कपड़े के सेंटर पॉइंट को सेंस करते हैं, यूं ही कपड़े का सेंटर आउट होता है तो ये कपड़े को उधर जो मैकेनिकल मैकेनिज्म लगा हुआ है मोटर को रोटेट करवाते हैं। मोटर जो है वो एक रैक गियर लगा हुआ है इन रोल्स के साथ,
ये जो रोल नजर आते हैं इनके साथ रैक लगा हुआ है, तो ये रैक जो है इसको आगे पीछे कपड़े उतार के सेंटर करवा देता है। अच्छा तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये कुछ इनकी ऑपरेटिंग पैनल है, ये पैनल लगा हुआ है, यहाँ से ये इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल पैनल इसको बोलते हैं। तो यहाँ से मशीन को ये ना कंट्रोल करते हैं। तो ये ओवरफीड रूल कुछ लगे एक लगा हुआ है और सिल्वर रूल लगा हुआ है। सिल्वर रूल जो है ये वाला जो है सिल्वर रूल है, जो ही कपड़ा जो है वेब स्ट्रेटर से आगे इनमें इनके अंदर दाखिल होता है, तो ये जो है कपड़े को खोलते हैं चैन में, चैन के अंदर इन होने से पहले कपड़े के जो बल हैं ना उनको निकालते हैं, कपड़े का अगर वो इकट्ठा हुआ है कपड़ा उसको खोल देते हैं। ये थ्रेड जो लगी हुई हैं इस रोल के ऊपर थ्रेड बने हुए हैं, ये थ्रेड जो हैं अपोजिट थ्रेड होते हैं, चूड़ियाँ जिसको बोलते हैं, तो ये कपड़े को खोलते हैं अपोजिट चलता है ये रोल, अपोजिट चूड़ी बनी होती है दोनों साइडों पर। ये सेंटर पॉइंट इसका नज़र आ रहा है, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है अपोजिट साइड पे मुखालिफ सिमत की चूड़ी होती है, तो कपड़ा जो इसके ऊपर जब चलता है तो ये कपड़े को खोल देती है। तो ये एक ओवरफीड रूल लगा होता है, ओवरफीड रूल का काम है कि ये ओवरफीड रूल है ये नीचे लगा हुआ है, ओवरफीड रूल का काम होता है कि ओवरफीड रूल इसके साथ एक मोटर लगी होती है और उसकी जो है स्पीड जो है ये ओवरफीड की स्पीड जो है उसको पिछली जो पैडिंग रूल है उसके साथ एडजस्ट किया होता है कि जितनी स्पीड से उधर से कपड़ा आ रहा है उसके मुताबिक ये चैन को फीड देता है कपड़े यानी कि कपड़ा जो है इन होता है ना वो कम या ज़्यादा स्पीड हो तो कपड़े में एक कपड़े के ट्रैवलिंग में एक सीक्वेंस बरकरार नहीं रहती जिसकी वजह से कपड़ा जो है वो फटने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे पास फिंगर रूल लगे हुए हैं, फिंगर रूल का भी यही काम है, ये फिंगर रूल हैं इनका भी यही काम है कि ये जो है ना हमारे पास ये मेन चैन है, मेन चैन के अंदर कपड़ा इन होने से पहले ये फिंगर जो हैं इनका किनारी जो है उसको सेट करते हैं और इनको कपड़े के किनारी जो है इसको खोल देते हैं, कपड़े का कॉर्नर जो होता है उसको सीधा कर देते हैं ताकि सही तरीके से चैन के अंदर दाखिल हो सके। तो यहाँ से इसका मेन प्रोसीजर शुरू होता है कि मशीन का फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो मशीन का एक्चुअली फंक्शन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसका काम ये है कि ये जो आपके पास चैन सामने नज़र आ रही है ना चैन, इनके अंदर कपड़ा जो है दाखिल होता है और विड्थ रॉड लगे हुए हैं आगे, तो विड्थ रॉड जो है इसकी वर्किंग विड्थ को शो करते हैं कि कितनी वर्किंग विड्थ के मुताबिक हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके मुताबिक हम कपड़े के विड्थ वाइज कितना खोलना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक कपड़े में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो केमिकल लगने की वजह से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है जो केमिकल का पीछे हम जिक्र कर चुके हैं। तो कपड़ा जो है उसके रेशों को ये चैन के अंदर कपड़े के किनारे जो हैं वो फंस जाते हैं, ये क्लिप जो नज़र आ रहे हैं इनके अंदर नीडल लगी होती है तो ये कपड़े को पकड़ लेते हैं और जो विड्थ रॉड हैं वो चैन को ना ग्रेजुअली हर चैम्बर, इसके टोटल 6 चैम्बर होते हैं तो हर चैम्बर में थोड़ा थोड़ा दो दो एक एक इंच का फ़र्क पड़ते पड़ते आगे जो 6 चैम्बर है वहाँ तक पहुँचते ये आप 3-4 इंच तक, 5 इंच तक, 6 इंच तक कपड़ा जो है विड्थ वाइज जो है ना खोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 45 इंच का अगर हमने कपड़ा जो है एंट्री साइड से दाखिल किया है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमें 52 इंच विड्थ वाइज कपड़ा चाहिए या 50 इंच विड्थ वाइज कपड़ा चाहिए चौड़ाई करो। तो ये होता ऐसे है कि वो ग्रेजुअली चेंजिंग कपड़े में आती है, कपड़ा हर चैम्बर में एक इंच ज़्यादा खुल जाता है। आगे आपको हम वर्किंग रॉड जो है वर्किंग विड्थ रॉड जो है वो भी बताएंगे। तो ये सेंसर लगा हुआ है, इस सेंसर का काम ये है कि जो किनारा जो है
वो चैन की लाइन के मुताबिक एक तरतीब से चैन में चैन के अंदर दाखिल हो। अगर उसका किनारी आउट होती है तो ये सेंसर जो है, ये मोटर लगी हुई है साथ और नीचे जो हेड लगा हुआ है, तो हेड को ऑपरेट करवा देते हैं तो चैन जो है विड्थ वाइज ओपन क्लोज हो जाती है, यानी चैन विड्थ वाइज ओपन क्लोज ये सेंसर करवाता है कि कपड़े का किनारा यूं ही आउट हुआ तो इसने सेंस करवाया उस नीचे वाला जो लगा हुआ है रैक गियर और हेड लगा हुआ है वहाँ पे, तो वो चैन को रोटेट करवाता है, चैन ओपन क्लोज हो जाती है। तो आगे नेक्स्ट व्यू चलते हैं कि हम ये तो मेन चैन के मतलब हमने बता दिया, ये हेड लगे हुए हैं इसके जो ऑपरेट करते हैं, इसको चैन को ऑपरेट करते हैं, वो सेंसर जो है इधर इनको सेंस करता है किनारे को, तो ये मोटर को रोटेट करवा देता है, मोटर जो है ये रैक गियर लगा हुआ है और ये हेड लगा हुआ है, तो इसको ओपन क्लोज वो करवा देता है। आगे नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, ये बर्नर लगे हुए हैं, इसके टोटल 6 चैम्बर हैं और हर चैम्बर में 2 बर्नर लगे हुए हैं और 4 सर्कुलेशन फैन लगे हुए हैं। चैम्बर जो है, चैम्बर का काम क्या है कि जो कपड़ा केमिकल लगा होता है और गीला कपड़ा होता है और इसके अंदर एक तो वर्किंग वेट रॉड के ज़रिए वो कपड़ा खोल जाता है, दूसरा जो है वो हीट जब मिलती है कपड़े को, इसके अंदर आग जल रही होती है, सर्कुलेशन फ़ैन जो है गर्म हवा को, नोज़ल लगी होती हैं, कपड़ा जो है दरमियान में चेन नोज़ल के दरमियान में गुजरती है, ये देखें ये नोज़ल हैं, ये नोज़ल हैं और सर्कुलेशन फ़ैन जो है ये डक्ट लगी हुई हैं, ये डक्ट हैं, इसमें आग जा रही होती है और दूसरी साइड से सर्कुल ये बर्नर है, ये आग इसमें जा रही होती है इस डक्ट में और ऊपर ही इसके सेम बयान ही नोज़ल लगी हुई हैं और इसके अंदर से कपड़ा गुजरता है, ये चैन नज़र आ रही है आपको, तो ये नोज़ल जो हैं उनके अंदर जो सर्कुलेशन फ़ैन दूसरी साइड पे लगा हुआ है, इस डक्ट से वो गर्म हवा लेता है, नोज़ल में फेंकता है, नोज़ल के में कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये आपको सुराख ही नज़र आ रहे हैं, ये सुराख शायद आपको नज़र ना आए, ये सुराखों में हवा गर्म हवा निकलती है और कपड़े को टच करती है तो कपड़ा जो है खुश्क हो जाता है। तो ये डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर का काम होता है हवा के एडजस्टमेंट के, कितनी आपने खोलनी है हवा, कितनी कपड़े को देनी है, ज़्यादा मकदार में करनी है, बहरहाल ये फिक्स ही होता है। ये कुछ इसकी एग्जॉस्ट लाइनें लगी हुई हैं, ये एग्जॉस्ट लाइन है और कुछ इसकी हॉट एयर की लाइनें लगी हुई हैं, जब ये बर्नर वाला फंक्शन नहीं इन्होंने करना होता, बर्नर आग का इस्तेमाल नहीं करना होता, हॉट एयर का इस्तेमाल करना होता है, तो ये हॉट एयर की सप्लाई जो है इसको चालू कर दिया जाता है, तो हॉट एयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह ये ऊपर हॉट एयर सिस्टम भी है, यह डबल सिस्टम है इसका, हॉट एयर सिस्टम भी है और गैस जलने वाला जो है, गैस के ज़रिए हीट हासिल करने वाला जो है, गैस के जलने के अमल से, बर्निंग के अमल से हीट हासिल करने का भी इसमें फंक्शन है। और ये विड्थ रॉड, ये आप देख रहे हैं विड्थ रॉड का, जिसका हमने जिक्र किया था कि ये हर चैम्बर में लगा होता है विड्थ रॉड, और टोटल 8 विड्थ रॉड इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो इनका काम यही है कि चैन को हम कितना ओपन और क्लोज कर सकते हैं और कितना कपड़े को विड्थ को इनक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसके मुताबिक इसको खोल लेते हैं। हर चैन में लगा होता है, हर चैम्बर में ये विड्थ रॉड लगा होता है और विड्थ रॉड को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्रेजुअली चेंजिंग आती है हर चैम्बर में, क्योंकि पहली चैम्बर में ही हम 4 से 5 इंच का विड्थ रॉड नहीं खोल सकते, कपड़ा फट जाएगा, तो आगे आगे नेक्स्ट 1-1 इंच का फ़र्क हम देते देते ये सारी चैम्बर में से गुजारते हैं और इसी तरह ये कपड़ा जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टेंटर मशीन जो है कपड़े को खोल देती है। ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है सामने नज़र आ रहा है, एग्जॉस्ट फैन का काम यही है कि अंदर से जमा होने वाली ये चैम्बर्स के अंदर जमा होने वाली हीट है ना, उसको खींच कर बाहर एनवायरनमेंट में एग्जॉस्ट कर देना होता है। ये देखें ये भी विड्थ रॉड लगा हुआ है, ये विड्थ रॉड लगा हुआ है और इसी तरह ये आगे
हमारे पास एक और सर्कुलेशन फ़ैन लगा हुआ है, ये ठंडी हवा देता है। जब चैम्बर में से कपड़ा निकलता है ना, तो चैम्बर गर्म कपड़ा होता है, उसको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन लगा हुआ है। ये इन्वायरमेंट से ठंडी हवा इसको देता है और कपड़ा ठंडा हो जाता है। आगे ये मेन ड्राइव आ गई है, मेन ड्राइव चेन गियर, ये मोटर लगी हुई है जो कि बेल्ट के जरिए उसके साथ मेन शाफ्ट के साथ अटैच है। ये मेन शाफ्ट है और ये चेन जो है ना इसका हेड है, मेन चेन है, ड्राइव गियर बॉक्स इसको बोलते हैं। ये सारी चेन को रोटेट करवाता है और इसको रोटेट करवाने के लिए, शाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए ये काफ़ी हैवी मोटर है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको सारी चेन को रोटेट करवाती है और ये सेंसर लगे हुए हैं सामने कैमरे के, इनका काम भी कपड़े को सेंस करना होता है कि कपड़ा डैमेज है या कोई किसी किस्म का।